और भाई सब खैरियत। तो आज मैं आ गया हूँ सेवन वंडर पार्क्स जो कि कोटा में है। यहाँ पे दुनिया के अजूबों का रेप्लिकाज बनाया गया है। यहाँ पे अराउंड 7 रेप्लिकाज हैं। लेकिन अभी जो अगर लेटेस्ट लिस्ट की बात करें सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड की, तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा अपना ताजमहल, उसके बाद ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, फिर क्या है क्रिस्ट द रिडीमर, उसके बाद आता है पेट्रा, फिर पांचवा आता है, पांचवा क्या था एक्चुअली मैं भूल गया हूँ, कोलोजियम जो कि रोम में है, एक छठा है माचू पिच्चू, और सातवा क्या है मैं भूल गया, सातवा क्या है एक्चुअली नया लिस्ट है, पुराना वाला तो याद है, अभी नया लिस्ट एक्चुअली मुझे पूरा अपडेट नहीं है, एक बार बताता हूँ मैं चेक करके। और लास्ट वाला है चिकन इट्ज़ा। ओके तो अच्छा, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मेरे 50 लाइक्स का गोल कंप्लीट करवा दिया, तो इस वीडियो का भी लाइक गोल हम 50 लाइक्स रखते हैं, इसका भी करवा दो प्लीज़, आई विल बी सो मच हैप्पी। तो चलते हैं सेवन वंडर्स पार्क के अंदर, देखते हैं कौन कौन से रेप्लिकाज यहाँ पे हैं। तो पहला यहाँ पे कोलोजियम है, थोड़ा पास चलते हैं और देखते हैं, मतलब सच में बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है इसको। तो अभी अभी मैंने कोलोजियम के बारे में पढ़ा, ये इटली रोम में है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर है, अभी तक का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर। यहाँ पे पुराने ज़माने में शायद फाइट्स वगैरह हुआ करती थी। एंड ये ईयर 80, मतलब आज 2023 चल रहा है, ईयर 80 में कंप्लीट हुआ था। सो ब्यूटीफुल, बहुत मस्त। यहाँ पे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा का रेप्लिका बनाया गया है, लेकिन अब ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में नहीं है, और इसके बारे में कौन नहीं जानता, सबसे रहस्यमय पिरामिड पूरे दुनिया में, मतलब एक एक जो इसके स्टोन्स है ना, 1000-3000 टन के स्टोन्स उस ज़माने में कैसे लोग बनाते थे, रियली सच में। अगर आपको ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के बारे में बहुत ही डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं फैक्टेक्स चैनल का, मैं बचपन से उनको बहुत सुनता हूँ। अगर आपको जानना है इसके बारे में तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमें दिख गया हमारा ताजमहल, ब्यूटीफुल, वाओ, सच में बहुत मस्त है। अभी इसके बारे में क्या बताऊँ, आप सभी को पता है, सिर्फ रेप्लिका ही नहीं, ताजमहल के आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ही मस्त इन्होंने क्रिएट किया है, रियली सच में बहुत मस्त है। फोर्थ नंबर पे आप देख पा रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और वहाँ पे लीनिंग टावर ऑफ पीसा दिख रहा है, रियली गुड, सच में बहुत मस्त है। एक्चुअली अच्छा हुआ रात में आए, क्योंकि मैंने सुना था कि रात में ही ये बहुत मस्त दिखेगा, एंड सच में जो लाइटिंग्स है रियली वंडरफुल, बहुत मस्त है। मेरे पीछे जो आप लेक देख पा रहे हैं यह है किशोर सागर लेक, कोटा का बहुत ही फेमस लेक है, एंड शायद बीच में कहीं पे तो एक जग मंदिर बन रहा है लेक के एकदम बीच में, जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार वहाँ पे चलेंगे, फेरी से जाते हैं। और ये है आईफिल टावर जो कि सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में नहीं है अभी, लेकिन ये तो बहुत बड़ा बनाया है। एक बार पास जाके देखते हैं, वाओ वेरी ब्यूटीफुल। मैं अभी तक रियल आईफिल टावर जो कि पेरिस में है वहाँ तो जा नहीं पाया, उसका रेप्लिका ही सही
सामने से देख पाया हूँ। और यहाँ पे इतने कीड़े हैं, ओ माय गॉड, यहाँ पे ऐसा लग रहा है फ्लाइज का अटैक होने वाला है। तो ये है क्रिस्ट द रिडीमर का स्टैचू। ये कैथोलिक लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। ये रियो दी जेनेरियो में है और ये अभी भी सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में है। तो सेवन वंडर्स पार्क का जितना भी रेप्लिकास था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। एक्चुअली लिस्ट अपडेट हुए हैं और ये ऑलरेडी बन चुका है, तो क्या ही चेंज किया जाएगा। एक्चुअली हर एक रेप्लिका के साइड में एक स्टोन सेट किया है गवर्नमेंट ने, जहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आप कोटा आ रहे हैं तो एक बार यहाँ पे विजिट करना मस्ट है, और शाम के टाइम पे आइए, यहाँ पे लाइटिंग भी बहुत मस्त रहता है। मेरा प्लान था कि वहाँ साइड में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे कुछ खाने का, लेकिन इतने कीड़े हैं मैंने सेफ नहीं समझा, तो बाहर चल के ही देखते हैं अगर कुछ खाने को मिलता है तो। तो सेवन वंडर्स पार्क के ठीक सामने ओ माय माय ओपन एयर रेस्टोरेंट है, ओपन एयर कैफ़े बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं आया हूँ, थोड़ा पेट पूजा करेंगे, और मैंने ऑर्डर किया है डबल डेकर चीज़ बर्गर। देखते हैं, मैंने ऑर्डर दे दिया है, आने के बाद टेस्ट करके मैं बताता हूँ कैसा है। तो मैं घर वापस आ चुका हूँ, और बर्गर जो था बहुत ही, मतलब टेस्ट में काफ़ी अच्छा था, लेकिन उनका जो बन था आई थिंक किसी दूसरे वैरायटी का बन उन्होंने यूज़ किया, क्योंकि मैंने ऑर्डर किया था डबल डेकर चीज़ी बर्गर, जिसमें बन थोड़ा छोटा पड़ गया था उनके मटेरियल के हिसाब से, तो सारे नीचे से ऊपर से पूरा स्लाइड होके गिर रहा था, जो कि मुझे बर्गर खाते वक्त ये जब होता है ना, भयंकर इरिटेशन होता है। इसलिए मैं मैकडोनल्ड्स को छोड़ के कोई दूसरा बर्गर खाता ही नहीं हूँ कहीं पे भी। क्या बर्गर अच्छा था, बस उनको जो है बन छोटा था, लेकिन स्वाद में आउटस्टैंडिंग। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे आज सेवन वंडर्स पार्क, लेकिन जो रियल अभी जो लिस्ट है सेवन वंडर्स का वो चेंज हो चुका है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक गोल हमारा 50 है, प्लीज़ कंप्लीट करवा दीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा था, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारा एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं, अलग अलग जगह पर जाएंगे, अलग अलग खाना खाएंगे, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।